रमेश, हाँ जानकी, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पिछले 10 वर्षों में बहुत कोशिश की, लेकिन इतना नहीं कमा सका कि मुखिया के पैसे लौटा सकूं। इस तरह तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। और तुम कितना सहोगी? जानकी, लेकिन भागना तो ठीक नहीं। रमेश, तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं मुखिया के पूरे रुपए चुकाने के बाद तुम्हें गांव से ले जाऊं? ये संभव नहीं है। 10 वर्ष पहले के 425 रुपये और मुखिया के हिसाब से सूद के साथ साथ ना जाने कितने रुपए हो गए होंगे। हम पूरा जीवन काम करके भी वो नहीं चुका पाएंगे। जानकी, लेकिन सुनिए तो। रमेश, अब और क्या सुनने को है जानकी? जानकी, हमें सिर्फ 425 रुपये ही देने हैं। सूद के रुपए तो मैं हर महीने की पगार से पिछले 10 वर्षों से मुखिया को दे रही हूँ। रमेश, तुमने अपनी पगार से? जानकी, हाँ, आपके जाने के बाद मुखिया ने ठकराइन के घरेलू कामों के लिए मुझे 18 रुपये प्रति माह की पगार पर रख लिया। ठकराइन 8 रुपये सूद काटने के बाद 10 रुपये पगार देती है। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी गलती की सजा पिछले 10 वर्षों से तुम भुगत रही हो, 10 रुपये महीने में तुम कैसे घर चलाती होगी? रमेश की नजर सो रहे घंसु पर पड़ती है। रमेश, ये घनश्याम? जानकी मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछती है। हाँ रमेश, सूरज ने बताया था कि घनश्याम बड़ा प्यारा बच्चा है। कहते हुए रमेश ने घनश्याम के चेहरे को निहारते हुए अपनी आंखों से बह निकले आंसू को पोंछ दिया। जानकी, अच्छा तो कल रात को और दोपहर को भी आप ही मैदान में थे? रमेश, कल रात को तुमने कहाँ देखा? जानकी, यही आंगन से मैदान की ओर नजर गई तो वहां सिनेमा बॉक्स के पास 2 लोग सोते नजर आए थे। रमेश, हाँ जानकी, मैं ही था, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ सकता था। सूरज मेरे शहर का मित्र है, उसी ने मुझे वहां पर काम दिलाया था। मेरे कहने पर ही वह यहाँ आया था, और अब वही हम लोगों को कल रात यहाँ से शहर ले जाने में मदद करेगा। जानकी, मैंने 123 रुपये जोड़ लिए हैं, क्या हम लोग रुपए चुकाने के बाद नहीं जा सकते? रमेश आश्चर्य से बोला, इतने कम पैसों के बाद भी तुमने इतने रुपए जोड़ लिए? और एक मैं हूं कि शहर में इतने सालों तक रहने के बाद भी केवल अपने रहने और खाने का ही इंतजाम कर पाया। रमेश को दुखी देखकर जानकी बोली, शहर में रहने के लिए और भी तो खर्चे ज्यादा होते हैं, और रहने के लिए आपको मकान का किराया भी तो देना होता होगा। यहाँ तो हमारा घर था, और खाने में हम लोग कुछ भी रूखा सूखा खा लेते थे। रमेश, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। कल रात तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जानकी को सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन जो रुपए मैंने जोड़े हैं वो मैं कल ठुकराइन के पास जमा कर दूंगी, बचत का कुछ बहाना बनाकर। कम से कम जितना है उतना तो हम दे ही सकते हैं। रमेश कुछ देर जानकी को देखता रहा। तुम्हारा दिल कितना साफ है जानकी। जानकी रमेश की आंखों में देखकर मुस्कुरा देती है। रमेश, अब मुझे चलना चाहिए जानकी, यदि किसी ने देख लिया तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और हाँ, घनश्याम को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं उसे बाद में सब कुछ समझा दूंगा। रमेश शॉल से अपने को ढककर दरवाजे से बाहर झांकता है और तेज कदमों से आंगन से होता हुआ मैदान की ओर चला जाता है। जानकी भी आंगन तक पीछे पीछे जाती है। झांक कर देखती है तो मैदान के पहले सूरज रमेश का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में सूरज और रमेश गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर चले जाते हैं। रात के 2 बज चुके थे। जैसे रमेश अपने साथ जानकी की नींद भी लेकर चला गया था। जानकी को रमेश के आने की अपार खुशी थी, लेकिन मुखिया के पैसे चुकाए बिना गांव से भगोड़े की तरह चोरी छुपे जाने की बेचैनी उस खुशी में ग्रहण लगा रही थी। गांव में मुर्गे की बांग ने जानकी को सचेत किया, शायद उसे कुछ समय पहले ही झपकी लगी थी। जानकी उठी
अब प्रतिदिन के कामों में लग गई। घंसू के लिए खाने का डिब्बा रखकर छोटी लोहे की पेटी का ताला खोला, उसमें से 123 रुपये निकाले और ठकुराइन के घर जाने के लिए निकल गई। जानकी ने सोच रखा था कि ठकुराइन के इस बचत के बारे में कहेगी कि इसे आप अपने पास संभाल कर रखें, जब रुपए पूरे हो जाएंगे तो मुखिया जी का एक साथ पुराना हिसाब चुकता कर देंगी। जानकी ने ऐसा ही किया। ठकुराइन को रुपए ऐसे समय दिए जब मुखिया जी वहीं खाना खा रहे थे। मुखिया जी ने भी सुना तो खुशी खुशी ठकुराइन से वे रुपए अपने कब्जे में ले लिए, साथ ही जानकी की तारीफ भी की। लेकिन सूद की रकम जो प्रतिमाह जानकी की पगार से काटी जाती थी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुखिया जी, जानकी तू तो बड़ी ईमानदार है, ना जाने रमेश ने ऐसे कैसे सब कर दिया। वैसे जैसे तू बताती है वह सुनकर तो मुझे भी तेरी बातों पर यकीन करने का मन करता है, क्योंकि रमेश जब तक मेरे साथ रहा कभी भी उसने एक पैसे की बेईमानी नहीं की। लेकिन क्या कर सकते हैं, व्यापार के भी अपने उसूल हैं। वैसे जैसे ही ये रुपए चुकता हो जाएंगे मैं सब कुछ भूलकर तुझे पूरी पगार देने लगूंगा। जानकी ने सहमति में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि आज जो रुपए उसने दिए हैं वह अंतिम किश्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जानकी ने ठान लिया था कि चाहे कितने भी साल हो जाए वह शहर में जाकर एक न एक दिन मुखिया के रुपए चुकाएगी और रमेश के ऊपर लगे इस कलंक को धो देगी। जानकी ने ठकुराइन से आज जल्दी घर जाने की अनुमति ले ली थी, इसलिए वह दोपहर को ही घर चली आई। घंसू सुबह से कई बार मैदान के चक्कर काट चुका था। सुबह से ही उसने पैसे निकाल कर अपनी मुट्ठी में रखे हुए थे। उसे ना जाने क्यों लग रहा था कि सिनेमा काका उसे बताए बिना नहीं जा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जरा सी बेमौसम बरसात के चलते गाँव छोड़कर जाना पड़ा। घंसू के दिमाग में इन विचारों का तांता लगा हुआ था। वह 25 पैसे के सिक्के को बार बार देख रहा था कि अचानक उसके हाथ से एक सिक्का फिसला और चक्की की तरह लुढ़कता हुआ चल पड़ा। घंसू घबरा कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। सिक्का लुढ़कते हुए बरसों से बंद पड़े कमरे के दरवाजे से जा टकराया और जमीन और दरवाजे के बीच में जो लगभग 3 इंच की जगह का अंतर था उसमें से कमरे के अंदर चला गया। असल में उस दरवाजे के नीचे की चौखट जमीन में धसी हुई थी और दरवाजा और जमीन में लगभग 3 इंच का अंतर था। घंसू का चेहरा फीका पड़ गया। घंसू ने लगभग रोते हुए आवाज लगाई, माँ माँ। जानकी घंसू की आवाज सुनकर रसोई से भागती हुई आई। क्या हुआ घंसू बेटा? माँ पैसे इसके अंदर चले गए। जानकी, कौन से पैसे? घंसू, माँ वो सिनेमा वाले पैसे। जानकी, क्या 25 पैसे इसमें चले गए? घंसू ने रोनी सूरत बना ली। जानकी ने दरवाजे में लगे पुराने जंखा चुके ताले की ओर देखा, जिसकी चाबी उसने कभी भी नहीं देखी थी। फिर अपना हाथ उस खाली हिस्से में अंदर डालने की कोशिश की जहां से पैसे अंदर चले गए थे, लेकिन बहुत देर प्रयास करने के बाद भी उसके हाथ खाली ही थे। आखिरकार उसने हार मान ली। जानकी, कोई बात नहीं घंसू, लगता है वो पैसे हमारी किस्मत में ही नहीं थे। घंसू ने रोना शुरू कर दिया। उसके जीवन में पहली बार इतनी बड़ी रकम उसने कुछ ही देर पहले गंवा दी थी। जानकी ने बामुश्किल उसे समझाया। इस समझाइश से उसका रोना तो रुक गया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी शाम को भी बरकरार थी। जानकी के कमरे में यहाँ वहाँ होते ही वह पुनः अपना छोटा सा हाथ दरवाजे के नीचे डालकर पैसे को टटोलने की कोशिश करने लगता था। इसमें व्यस्त रहने के कारण उसने यह गौर ही नहीं किया था कि जानकी दोपहर से ही मुख्य मुख्य सामान समेटने में लगी हुई है। बीच बीच में जानकी बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर क्षमा मांगती थी, क्योंकि वह इस तरह भागने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अपने पति की इच्छा को वह नकार भी नहीं सकती थी। रात 8 बजे जानकी और घंसू ने खाना खाया। घंसू ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने ठान रखा था कि माँ के सोने के बाद वह पुनः दरवाजे के अंदर से पैसे निकालने का प्रयास करेगा। वैसे यदि जानकी को आज शहर जाने की तैयारी नहीं करनी होती तो वह उस ताले को तोड़कर कमरे में घंसू की खुशियों को जरूर निकाल देती।
सभी काम निपटाने के बाद जानकी ने दिन भर में इकट्ठा किए सामान को पेटी और एक बोरी में इकट्ठा कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। घनसु ने आखिर गौर किया कि माँ ने पेटी और कुछ सामान बोरी में इकट्ठा कर लिया है। घनसु, माँ क्या हम कहीं जा रहे हैं? जानकी कुछ बता पाती इससे पहले दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जानकी ने दरवाजा खोला तो सामने रमेश शॉल से खुद को ढके खड़ा था। रमेश दरवाजे के अंदर आया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। घनश्याम घबरा कर खड़ा हो गया। माँ ये कौन है? रमेश ने शॉल निकाल कर एक कोल रख दिया। अपने बेटे घनश्याम को सामने खड़े देखकर रमेश ने उसे गले से लगा लिया। घनश्याम ने रमेश के गले लगे हुए जानकी की ओर देखा और बोला, माँ ये कौन है?